तो अभी हम गोराई बीच की बोट पर हैं। पहले भी गए थे गोराई बीच, बट तभी अंधेरा हो गया था, शाम हो गई थी काफी। आज हम जल्दी आए हैं। सो गाइस, आज हम आए हैं, वैसे तो पागोड़ा भी जाने वाले थे बट हम थोड़ा लेट हो गए, तो आज सीधा गोराई बीच जाते हैं और पूरा एक्सप्लोर करते हैं गोराई बीच। जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए भी पूरा इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग होगा ये, तो चलिए चलते हैं गोराई बीच। और वैसे आज संडे का दिन है, इतनी ज्यादा भीड़ है कि सिर्फ उसको खाड़ी को पार करने में ही, बोरीवली से यहाँ तक दूसरी तरफ आने में हमको 1 घंटा लग गया, जो कि 1 मिनट का रास्ता है उसको 1 घंटा लग गया। सो हम पहुंच गए हैं गोराई बीच। मुंबई का सबसे क्लीनेस्ट बीच बोला जाता है इसको, गोराई बीच को। और यहाँ पे ना लोग, ये इतनी सारी कार आप देख रहे हो, ये सब ड्राइविंग सीखने भी आते हैं, क्योंकि देखो कितना खुला है मस्त। तो यहाँ पे ड्राइविंग सीखना बहुत सेफ होता है, तो सब इधर ड्राइविंग सीखने के लिए आते हैं। हॉर्स राइडिंग भी है, बहुत सारे एक्टिविटीज है, बताऊंगा मैं आपको अभी आके। टाइड है, ठीक है। हाँ। अब जब तक ये पानी ये बाइक के टायर को छूलेगा, जब तक यहीं रुकेंगे, उसके बाद फिर शेक्स में चलेंगे। No. उसको बहुत टाइम है, अंधेरा हो जाएगा। तो गाइस, कितना अच्छा लोकेशन है यहाँ पे, देखो कुछ अनचाही घटना हो जाती तो वो लाइफ गार्ड जा रहे हैं दो, तो कुछ अगर होता है ऐसा तो वो भी मदद कर देते हैं। वो पप्पी आया एक। और ये हॉर्स राइड भी कर सकते हो आप यहाँ पे इंडिविजुअली या कपल। होगी इनका, देखो मस्ती कर रहे हैं पानी में। अरे अरे मजा आ गया उसको। देखो उनकी बाइक गिर गई सैंड में, तो अपनी ना गिर जाए इसलिए मैं इसको मैन स्टैंड पे लगा देता हूँ। हाँ, अपनी ना गिर जाए इसलिए इसलिए इसको मेन स्टैंड पे लगाएं। अंदर जाती। हाँ यार, इतने में ही अंदर चला गया। चलो 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 अंदर चलते, चलो चलो चलो, लेट्स गो, भागो, चलो ना जल्दी चलो। पानी में डुबा दूँ तुमको यहाँ का, थोड़ा पानी में मैं नहीं डूबने वाली, क्लीन पानी है। अरे आगे आगे ले जाके डुबा दूंगा उधर। क्या क्या जिंदा है इसने मिला और वो मूव किया तो अभी ये क्या है? तो छोड़ो ना, चिल्ला भी रही हो, पकड़ना भी है। ए घोड़े पे बैठना, ये वाले थक गई इतनी जल्दी, थक गई दीदी। चलो बाइक से हमारा
पानी टकराने वाला है क्योंकि हाई टाइड आ रही है वापस। देखो कितना पास आ गया बाइक से पानी, पहले दूर था, और वो घोड़ा जा रहा है तो हॉर्स शू के निशान बन गए उसके। ये देखो, ये वन, ये टू, ये थ्री, इतनी जल्दी इतना आगे आ गया। बाइक के टायर से जैसे टच होगा हमने रूल बनाया, हम यहाँ से जाएंगे फिर शैक्स में जाएंगे, थोड़ा चिल मारेंगे। एक शैक उधर है, एक उधर शैक है, देखते हैं किधर जाते हैं। हाय। तो यार अभी घोड़े वाले से बात की तो उसका घोड़ा थोड़ा छोटा है मेरे हिसाब से। मैं बैठूंगा उसके ऊपर तो बेचारा ऐसा लगेगा कि मैं बैठ गया कौन सी एवेंजर बाइक पे, छोटू सी बाइक पे। तो उधर आगे एक लास्ट टाइम बैठे थे प्रिंस करके, एक घोड़ा है तो उसके पास जाएंगे, उसके ऊपर बैठेंगे। बच्चा बोल रहा है स्लो चलो अंकल, स्लो चलो, डर रहा है वो। पूछते यार ये बहुत, मेरी भी फट गई थी। वो प्रियंका मैडम को भी बिठा दिया है हमने। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है बोलो तो सही कुछ। और उधर आगे स्पीड बोट भी है तो स्पीड बोट में भी जा सकते हैं। और प्रियंका मैडम भी आ गई वापस। हाँ मस्त। हाँ एक्चुअली सीट अलग है इनकी, सीट मतलब इनकी जो सीट है ना थोड़ा आगे की साइड है, मतलब इसके शोल्डर की साइड है, थोड़ा सा पीछे होना चाहिए। मतलब मुझे ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इशू लग रहा था इसमें, मैं ऐसा लग रहा था मैं आगे हूँ, थोड़ा पीछे होना चाहिए सीट, है ना? क्या बोलते हो आप गाइस, बताना कमेंट डाउन बिलो। वो घोड़े का सैडल पकड़ा ना तो मुझे खून आ गया थोड़ा, मुझे अभी पता चला। तो मैंने उसके ऊपर सैनिटाइजर डाल लिया ताकि इन्फेक्शन कुछ ना हो। ये देखो सैनिटाइजर डाल दिया सीधा, अल्कोहल साफ हो जाएगा ना। अभी जल रहे तो डेटॉल से भी ज्यादा यार, पहुंचो अभी बस। बस ठीक हो जाएगा आई थिंक। उसका सैडल अच्छा नहीं था यार। वो जला, जल रहा है बहुत ज्यादा, जल रहा है मम्मा। रुको रुको पकड़ो, एक और बार डालना है सैनिटाइजर। गाइस एक और बार डाल रहे हैं डॉक्टर रोहित, पेशेंट भी रोहित, डॉक्टर भी रोहित। डॉक्टर हो या पेशेंट हो आज, तुमको देख के मुझे दर्द हो रहा है यार, इससे अच्छा मैं एक इंजेक्शन ले लेती हूँ। टीटी तो लगाना ही है तो ये भले तुम करो या ना करो। टीटी का क्या है उसमें? टीटी कब लगता है? कब लगता है? जब सड़ा हुआ आयरन लगता है बॉडी को और खून आता है। आयरन नहीं था वो, आयरन नहीं था वो, आयरन का सैडल था वो।